छठ से पहले रेलवे ने बिहार, झारखंड, यूपी सहित इन राज्यों के यात्रियों को छठ के तोहफे के तौर पर बड़ी राहत दी है। बता दें कि रेलवे ने 15 प्रीमियम ट्रेनों से फ्लेक्सी फेयर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कम भीड़ भाड़ वाले समय में 32 ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर अब इसका भार नहीं पड़ेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे उन रेलगाड़ियों से फ्लेक्सी किराया प्रणाली को पूरी तरह से हटाएगी जिनमें ऐसे हालात हैं। इतना ही नहीं, एक से एक ट्रेनों के टिकट भी मूल कीमत के मुकाबले फ्लेक्सी फेयर में 1.5 गुना तक कमी की गई है। रेल मंत्री की माने तो यह रेलवे और यात्रियों दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे यात्रियों पर किराए का बोझ कम पड़ेगा और सभी सीटें बुक होने से रेलवे की आय भी बढ़ेगी। रेलवे की ओर से यह कदम जुलाई में आईकैक के रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर 2016 में योजना के लागू होने के बाद सीटें खाली रह जाती थी, साथ ही फ्लेक्सी किराए को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया गया था। बता दें कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कार्यकाल में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू किया गया था। इस सिस्टम के तहत एक तय सीमा भी सीटें बुक होने के बाद किराए में 10% की बढ़ोतरी होती है जो अधिकतम 50% तक होती है। भारतीय रेल ने 9 सितंबर 2016 को प्रीमियम रेलगाड़ियों के लिए फ्लेक्सी फेयर योजना पेश की थी। इनमें 44 राजधानी, 52 दुरंतो और 46 शताब्दी गाड़ियां शामिल थी। रेलवे के सूत्रों ने कहा कि योजना में बदलाव से रेलवे को करीब 103 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हालांकि उसने उम्मीद जताई है कि किराए कम होने से सीटें भरने में मदद मिलेगी और अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। कम सीटें भरने के कारण जिन रेलगाड़ियों में फ्लेक्सी फेयर योजना को हटाया जाएगा उनमें कालका, नई दिल्ली शताब्दी, हावड़ा, पूरी राजधानी, चेन्नई, मदुरई, दुरंतो शामिल है। इस स्कीम के तहत जिस समय टिकट की मांग ज्यादा होती है उस वक्त टिकट की कीमतें बढ़ा दी जाती है, ऐसा त्योहारी सीजन में ही होता है। वहीं दूसरी ओर जब टिकट की मांग कम हो जाती है तब कीमतें सामान्य हो जाती है।